दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नीलामी के बाद हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम का कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, नीलामी में बड़े हथकंडे अपनाने के बाद गुजरात टाइटंस की टीम ने आखिरकार अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। गुजरात टाइटंस ने पिछले साल चैंपियन बनने के बावजूद अपनी टीम में बड़े बदलाव कर दिए हैं और कुछ ऐसे खूंखार खिलाड़ियों को अपनी टीम में जगह दी है जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार गुजरात की टीम में किन 11 खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा ये तो हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ पूरी की पूरी टीम के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो जाने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर और शुभमन गिल में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, पिछली बार की चैंपियन गुजरात टाइटंस ने इस बार भी मजबूत टीम तैयार की है और इस नीलामी में गुजरात टाइटंस ने 14.8 करोड़ रुपए खर्च कर 7 खिलाड़ियों को खरीदा है। गुजरात के पर्स में 4.45 करोड़ रुपए बचे रह गए हैं और नीलामी में गुजरात टाइटंस की टीम को एक सलामी बल्लेबाज और एक तेज गेंदबाज की तलाश थी। गुजरात टाइटंस ने शिवम मावी और केन विलियमसन को खरीद कर ये तलाश पूरी की। गुजरात की टीम ने नीलामी से पहले गुजरात टाइटंस के 6 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया था। इनमें से 2 खिलाड़ी ट्रेड के जरिए कोलकाता की टीम में गए। इसके बाद गुजरात के पर्स में अब 19.25 करोड़ रुपए थे। गुजरात ने नीलामी शुरू होते ही न्यूजीलैंड के दिग्गज केन विलियमसन को खरीद लिया और उसने केन विलियमसन को 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर ही खरीद लिया। उसे शिवम मावी और जोशुआ लिटिल को खरीदने के लिए मेहनत करनी पड़ी। मावी और लिटिल पर अन्य टीमों ने भी बोली लगाई। गुजरात ने मावी को 6 करोड़ और लिटिल को 4.4 करोड़ रुपए में खरीदा। अब ऐसे में गुजरात टाइटंस की टीम पूरी तरीके से और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और इस बीच नीलामी के बाद गुजरात टाइटंस ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। गुजरात टाइटंस ने पारी की शुरुआत करने के लिए शुभमन गिल और केन विलियमसन को शामिल किया है। दरअसल पिछले साल गुजरात की टीम चैंपियन बनी थी जहां पर गिल ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम के होश उड़ा दिए थे और फाइनल में मैच विनिंग पारी खेलकर टीम को जीत दिलाकर चैंपियन भी बनाया था। उसी तरीके से शुभमन गिल आगे भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि इनका साथ देने के लिए केन विलियमसन खेलते हुए दिखाई देंगे जो पहले हैदराबाद की टीम की तरफ से खेलते थे और हैदराबाद की टीम ने उनको रिलीज कर दिया, जिसके बाद वो नीलामी में आए और नीलामी में आखिरकार पहले ही बल्लेबाज के तौर पर उनका नाम सामने आया, जहां पर नीलामी में किसी ने भी उन पर बोली नहीं लगाई और 2 करोड़ के बेस प्राइस पर गुजरात की टीम ने उनको शामिल कर लिया। और अब गुजरात की टीम इन्हीं के साथ पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देगी, जिससे गुजरात की ओपनिंग जोड़ी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा मध्यम क्रम में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए गुजरात की टीम में भरत खेलते हुए दिखाई देंगे और आपको बता दें कि पहले भरत बेंगलुरु की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन उन्होंने वहां पर एक मैच में बेहतरीन पारी खेली, परंतु अब यहां पर उनको नीलामी में भेजकर गुजरात की टीम ने उन्हें हासिल कर लिया और गुजरात की टीम ने भरत को खरीद कर सभी को हैरान कर दिया और अब भरत तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा चौथे पायदान पर गुजरात की टीम ने बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया है, जो भारतीय टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं। पिछली बार कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपना बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी सभी टीमों के खिलाफ तहलका मचाया था और फाइनल मुकाबले में भी मैच जिताऊ प्रदर्शन करते हुए गुजरात की टीम को पहली बार में ही शामिल करने के साथ साथ चैंपियन बना दिया था। हार्दिक पांड्या ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी और बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर उसी तरीके से यहां पर जिम्मेदारी के साथ दोबारा से खेल दिखाएंगे। इसके अलावा पांचवें पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर डेविड मिलर ने पिछले साल भी फाइनल के साथ साथ पूरे सीजन में मुकाबले को खत्म करने का काम किया था और उसी तरीके से यहां पर भी डेविड मिलर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से गुजरात को जीत दिलाने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं ऑलराउंडर के रूप में गुजरात की टीम में छठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए राहुल तेवतिया खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ साथ अपनी गेंदबाजी से टीम को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि राहुल तेवतिया ने पिछले साल और भी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर जीत दिलाई। इसके अलावा उनका साथ देने के लिए राशिद खान खेलते हुए दिखाई देंगे, जो अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ साथ बेहतरीन गेंदबाजी से गुजरात की टीम को मजबूती दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और गुजरात की टीम को एक बार फिर से चैंपियन बनाएंगे। इसके अलावा आगे साई किशोर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ बेहतरीन बल्लेबाजी से विरोधी टीम के होश उड़ाना जानते हैं। किशोर को पिछले साल इतने ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला था,
लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम के होश उड़ा दिए थे और इसी तरीके से यहां पर भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा उनका साथ देने के लिए गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शमी खेलते हुए दिखाई देंगे, जिनके पास एक बेहद ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी होगी, जहां पर मोहम्मद शमी भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए गुजरात की तरफ से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और गुजरात की टीम को एक बार फिर से चैंपियन बनाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। इसके अलावा बाकी के दो गेंदबाज के रूप में दयाल और जोसेफ खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दरअसल दोनों खिलाड़ियों ने पिछले साल गुजरात के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की थी और गुजरात की टीम को इतनी ज्यादा मजबूती पर ले जाकर खड़ा कर दिया था, जिसके बाद गुजरात की टीम चैंपियन बनी थी। उसी तरीके से यहां पर भी गुजरात की टीम अपने आप में फिर से मजबूत बनकर खड़ी हो चुकी है और इन दो गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन से गुजरात की टीम एक बार फिर से चैंपियन बनना चाहेगी और लगातार दो बार चैंपियन बनने के रिकॉर्ड को भी कायम कर लेगी। तो दोस्तों, इन 11 खिलाड़ियों के साथ गुजरात की टीम चैंपियन बनती हुई दिखाई देने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है कि गुजरात की टीम की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, कमेंट करके बताइए और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।